नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भगवान शिव के खास दिन महाशिवरात्रि पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। बुंदेलखंड के बांदा जनपद में भी महाशिवरात्रि के पर्व में वातावरण बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। बांदा के बाम देवेश्वर पर्वत की गुफाओं में स्थित प्राचीन शिवालय बाम देवेश्वर मंदिर में भी सुबह से शिव भक्तों की भीड़ जुटी है और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना भी की जा रही है। मान्यता है कि महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता कहे जाने वाले महर्षि बामदेव के द्वारा स्थापित इस सिद्ध शिवालय में त्रेता युग में वनवास के दौरान स्वयं भगवान श्री राम आए थे। मान्यता है कि त्रेता युग में महर्षि बामदेव ने बांदा मुख्यालय में केन नदी तट पर स्थित इसी पर्वत को तपोस्थली बनाया था। आप जो महाशिवरात्रि किस प्रकार मनाते हैं आप लोग? महाशिवरात्रि भारत का एक बहुत ही बड़ा पर्व है जो शिव जी की आराधना के लिए आराधना करते हैं हम सभी भक्त मिलकर, और यह इससे हम महाशिवरात्रि का व्रत हम बहुत ही श्रद्धा पूजन से करते हैं। इसमें शिव और पार्वती जी की बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा होती है। बांदा शहर में बहुत ही विभिन्न मंदिरों में बहुत ही ज़्यादा लंबी कतारों में भीड़ है महाशिवरात्रि का पूजन के लिए। अभी हम सब मंदिर में गए थे तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे सभी शिव जी की आराधना और भक्ति बहुत ही मन से कर रहे थे, और इस पूजन को करने से हमें बहुत हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वो सभी पूर्ण होती हैं। क्या नाम है आपका? वैदेही। भैया मेरा नाम विधु कुमार त्रिपाठी है, मैं महामंत्री हूँ बामदेव प्रबंध समिति का। आज किस तरीके का जो है ये शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व, ये वार्षिक पर्व है भगवान भोलेनाथ जी का, जो कि हर वर्ष पूरे जोश खरोश के साथ पूरी श्रद्धा भाव के साथ भगवान श्री बामदेव जी की तपोस्थलीय बामदेवेश्वर मंदिर है जो एक सिद्ध पीठ है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आके दर्शन करते हैं, लाखों की संख्या में प्रातःकाल से श्रद्धालु आकर लाइन लगा के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। आज प्रातःकाल से ही यहाँ 2 बजे से भीड़ लगी है, जिसमें पुलिस प्रशासन कार्यकर्ता लगातार अपना सहयोग देकर इस पर्व को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए लगातार लगे हुए हैं और कर रहे हैं। शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया गया है? भगवान शिवरात्रि का पर्व भगवान भोलेनाथ जी का एक प्रमुख पर्व है, जिसमें ये धारणा है कि आज भगवान भोलेनाथ की बारात निकलती है, भगवान भोलेनाथ का विवाह होता है। उसमें भगवान भोलेनाथ के प्रतीक के रूप में बामदेवेश्वर भगवान विराजमान है, तो उसी रूप में आज यहाँ पर ये धारणा है, उस धारणा के तहत ये महोत्सव मनाया जाता है और बांदा के लोग भी पूरे जोश खरोश के साथ इस महोत्सव को मना रहे हैं। यहाँ पे जो ये मूर्ति है भगवान भोलेनाथ की, कैसे उत्पन्न हुई है? ये रामायण कालीन मंदिर है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है बंदहु बामदेव सिर नाई, अर्थात ये रामायण काल में भगवान श्री बामदेव जी का उल्लेख मिलता है और भगवान श्री बामदेव जी इस बामदेवेश्वर मंदिर के ऊपर गुफा में तपस्या करते थे और यह स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है। इसका कोई भी कृत्रिमता इस गुफा में नहीं है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो जैसे थी वैसे ही विराजमान। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।